नमस्ते दोस्तों, रिपोर्ट को शुरू करने से पहले एक पॉलिटिक स्टेटमेंट। सुबह का अंदर हुआ, शाम में बाहर निकल गया। मंत्री जी का साला अब सरकारी हो गया। इसी के साथ मैं मनीष इस रिपोर्ट में आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं इंडिया इन्फो। लोकसभा में प्रेजेंट किया गया क्रिमिनल प्रोसीजर बिल पास हुआ है। इसके बारे में कुछ नेताओं का सपोर्ट मिला और कुछ ने इसे सेंशियल बताते हुए ह्यूमन राइट्स का हवाला दे दिया और इसका विरोध भी किया। बता दें कि ये बिल हर क्रिमिनल के ऊपर सरकार का एक करारा जवाब है, जिसके चलते कोई भी अपराधी अपनी पहुंच का हवाला देकर बच नहीं सकता। सरकार ने इसे इस तरह बनाया है ताकि कोई भी लॉ एंड ऑर्डर का गलत इस्तेमाल ना कर सके और अपराध पीड़ित या विक्टिम को पूरी तरह न्याय मिल सके, जिसका विरोध करते हुए अपोजिशन ने ह्यूमन राइट्स के खिलाफ इसे बताया और कुछ इस तरह स्टेटमेंट दिए, जैसे कि गवर्नमेंट और गवर्नमेंट अथॉरिटीज इससे आम लोगों को हैरास कर सकती है और डेटा का मिसयूज भी कर सकती है, जिसके चलते अपोजिशन ने मांग की कि बिल स्टैंडिंग कमेटी को भेजा जाए और होम मिनिस्टर अमित शाह ने इसे स्टैंडिंग कमेटी को भेजने का वादा भी किया। जैसा कि हमें पता है, इंडिया में अगर कोई नई नीति अपनाता है तो कई लोग उसे गलत साबित करने में जुट जाते हैं। वहीं कुछ विपक्ष के नेताओं ने सीरियस कंसर्न्स जताते हुए कहा, जैसे कि नवीन पटनायक और बीजेडी ने इसका पुरजोर विरोध किया। वहीं कांग्रेस के मनीष तिवारी ने इसे ड्रकोनियन और सिविल लिबर्टीज के खिलाफ और स्टेटमेंट दिया, जिसमें उन्होंने आर्टिकल 14, 19 और 21 के खिलाफ बताया। वहीं डीएमके के दयानिधि मरन ने इसे एंटी पीपल और लिबर्टीज के खिलाफ बताया। टीएमसी के मेंबर महुआ मोइत्रा ने इसे प्रिजनर्स एक्ट 1920 के खिलाफ बताया। वहीं वाईएस जगनमोहन रेड्डी की वाईएसआरसीपी अपोजिशन में केवल एक ही ऐसी पार्टी थी जिसने बिल का समर्थन किया। इस रिपोर्ट में इतना ही। हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अगर आप नए हैं तो बेल आइकन जरूर दबाएं और कमेंट्स में लिख के हमें बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। धन्यवाद।